मोर और लेस अगर कोई इन्वेस्टर कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है तो देर मस्ट बी सम गुड रीजन बिहाइंड इट, ठीक है. एंड अगर गुड रीजन नहीं भी है तो मे बी इट फिट्स इन देयर थीसिस, मे बी इट्स इट फिट्स इन टू सम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो उनकी है. अब उनका खुद का इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल स्ट्रैटेजाइजिंग कुछ चल रहा होगा अगले 10-20 ईयर्स का, तो उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं. कई बार अगर गलत कंपनी में वो इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, अब गलती इन्वेस्टर भी कर सकता है. सो इन्वेस्टर का वैसे भी 90% कंपनी स्टार्टअप्स इन्वेस्टिंग में 90% कंपनी से नेग्लिजिबल रिटर्न्स आते हैं और ऑलमोस्ट 50-60% से तो नेगेटिव रिटर्न्स आने हैं, ठीक है. देर इज ओनली हार्डली 5-10% कंपनी जो एक पॉजिटिव साइजेबल पॉजिटिव रिटर्न देकर जाती है इन्वेस्टर को, एंड हार्डली पूरे पोर्टफोलियो में एक या दो कंपनी जो एक्चुअल रिटर्न पूरे पोर्टफोलियो का निकाल के लेकर आएंगी. जो 50x आप सुनते हैं, 100x, 200x, 500x जो आप सुन रहे हैं, वो एक या दो कंपनी होगी पूरे पोर्टफोलियो में. तो देखो यार, बेट करना है बेसिकली उनको, तो ट्रेंड्स फॉलो कर सकते हैं. अगर वहाँ से एक आध मिल जाएगा तो वो भी अच्छा है, नहीं तो अगर मिस आउट ही कर दिया तो फिर हम लोग ही कहेंगे उनको कि अरे ये क्या बात हुई, इनको तो पता था AI में इतने स्टार्टअप चल रहे तो इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, इनको इतनी भी अकल नहीं है. तो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से वो कर रहे हैं. आई थिंक हमारी फ्री इकोनॉमी है,